यहाँ के जो परांठे होते हैं वो 25 किस्म के परांठे हैं यहाँ पर। 25 किस्म के, जिसमें कि आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मेथी का, चीज का। ये दोस्तों, तो अभी का सीन ये है कि अभी मैं दोबारा से आया हूँ चांदनी चौक, और चांदनी चौक में आज इस कारण आया हूँ क्योंकि आज मैं पराठे वाली गली जाने वाला हूँ, और पराठे वाली गली जाके आज मैं उनके पराठों को टेस्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैं कभी भी पराठे वाली गली नहीं गया था क्योंकि मेरे घर पे मेरी मम्मी पराठे बना दिया करती थी, तो कभी भी पराठे खाने का मन करता था, प्याज के, आलू के, गोभी के, तो मम्मी को बोल दिया करता था, मेरी मम्मी बना दिया करती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज चलो चलते हैं पराठे वाली गली और जाके पराठे वाली गली के पराठों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि पराठे वाली गली के पराठे आखिर हैं कैसे। तो चलो चलते हैं पराठे वाली गली और वहीं जाके आगे की जो कहानी है उसे कंटिन्यू करते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर शीशगंज का गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर मैं पराठे वाली गली आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके ठीक सामने आप सभी को ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आएगी। इस बिल्डिंग का नाम है महावीर भवन। तो ये इसका लैंडमार्क है। अगर आपको यहाँ पर आना हो तो शीशगंज के गुरुद्वारे से आप सभी को ये महावीर भवन ढूंढना है, ठीक आपको उल्टे साइड पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पराठे वाली गली का बोर्ड नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं पराठे वाली गली आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी गली है। तो चलो चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये गली है कैसी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी, मतलब और भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है आज, तो फिर भी कम है। ये आ गया भाई मैं पराठे वाली गली के अंदर। यहाँ पर आपको पराठे के मतलब काफ़ी सारे शॉप देखने को मिलेंगे। तो चलो हम देखते हैं कोई अच्छी सी शॉप देखते हैं और वहाँ ट्राई करते हैं हम पराठे यहाँ के। एक यहाँ पर ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर बाबूराम पराठे वाले हैं कोई। तो काफ़ी छोटी सी गली है लेकिन गली के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको मतलब पराठे के काफ़ी शॉप मिलेंगे और भी काफ़ी सारे यहाँ पर शॉप हैं। तो चलो हम मतलब पराठे कहीं पे जाके टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे 2-3 शॉप मिली है पराठे की। तो एक शॉप तो ये मुझे मिला है, ठीक है, पीटी मतलब गाया प्रसाद, शिव प्रसाद, ठीक है, ये एक शॉप मिला है पराठे का। और इसके बाद यहाँ पर कोने पे आप सभी को एक शॉप मिलेगा, ये देखो, पीटी कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद। और नीचे की साइड यहाँ पर इनका एड्रेस लिखा गया है, शॉप नंबर 36 पराठे वाली गली चांदनी चौक दिल्ली 6। तो ये देख सकते हैं ये है इनके शॉप का पूरा सीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पराठे बन रहे, क्या बात है, देसी घी में एकदम यहाँ पर पराठे तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इनके पास काफ़ी सारे पराठे हैं। तो मतलब एक पराठे की जो प्लेट है उसमें 2 पीस मिलेगा 140 रुपए का है। और इनके पास आलू पराठा है, दाल पराठा है, मेथी पराठा, मतलब काफ़ी सारे पराठे हैं। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं और भी पराठे हैं और उनके जो रेट वगैरह हैं वो भी लिखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इनकी पूरी शॉप। और इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पर सब्जी वगैरह है और चटनी है, अचार वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगल पराठे वगैरह के रेट वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं, पापड़ पराठा, क्या बात है। और उधर की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस शॉप पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी आए हैं, रणवीर कपूर भी यहाँ पर आया हुआ है। ये देखो भाई, ये पूरा सीन है इनके मतलब शॉप का। तो पराठे अभी आपने टेस्ट किए, कैसे लगे आपको यहाँ के पराठे? बहुत अच्छे, जब भी आप तो ये देख सकते हैं ये है यहाँ के ऑनर। तो चलिए हम इनसे थोड़ी बात करते हैं। तो सर एक बार बताएंगे ये शॉप कितने साल पुरानी है? ये शॉप सन 1875 से स्थापित है यहाँ गली पराठे वाली में। अच्छा, 145 साल हो चुके हैं शॉप को। यहाँ की टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग सवेरे 8 बजे से खाना चालू हो जाता है और रात के 10 बज जाते हैं 10:30 बज जाते हैं, रात आते रहते हैं 10-10:30 बजे तक। खाना यहाँ सारा जितना भी होता है वो देसी घी में बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो चलो आप हम भी यहाँ के जो पराठे हैं उसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं मतलब यहाँ के पराठों का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर मेरे तीनों पराठे यहाँ पर बन रहे हैं, एक आलू का लिया है मैंने, एक पनीर का और एक रबड़ी पराठा है, ये रबड़ी वाला पराठा है। आलू का पराठा, ये वाला आलू का पराठा हमारा आ गया भाई, बन गया ये। ये देखो ये पनीर वाला पराठा हमारा है, ये पनीर वाला पराठा हो गया और ये रबड़ी है, तो ये रबड़ी वाला पराठा भी आ गया भाई। तो यहाँ पर हमारी प्लेट लग रही है पराठे की। तो सबसे पहले ये मीठी चटनी आ गई केले वाली,
अब इसके बाद ये धनिया पुदीने की चटनी है, हाँ? धनिया पुदीने वाली चटनी, हरी चटनी। इसके बाद ये आलू की सब्जी, अच्छा आलू मेथी की सब्जी है। और ये आलू छोले, और ये सीताफल की सब्जी आ गई। यहाँ पर मैंने एक बात देखी है, यहाँ पर प्याज लहसुन का मतलब यूज नहीं होता किसी भी आइटम में। ये आ गया अचार, अचार किस चीज का है? मूली का, मूली गाजर। और इसके साथ यहाँ पर मैंने लस्सी का ग्लास भी ले लिया, एकदम फुल करके लस्सी मिली है। तो चलो ये जो पराठे की थाली है इसे मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पराठे हैं वो कैसे हैं, बाकी सब्जी का टेस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो सबसे पहले ये जो हमारा आलू वाला पराठा है इसे मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो इसे सबसे पहले मैं ऐसे ही टेस्ट करता हूँ, अंदर की एक बार फिलिंग देखो। तो आलू की जो फिलिंग है ना उसमें काफ़ी फ्लेवर है। एक बार मैं सब्जी के साथ टेस्ट करता हूँ। तो ये जो हमारी आलू चना की सब्जी है इसे मैं टेस्ट करता हूँ। ये आलू चना की जो सब्जी है ना बढ़िया सी है एकदम, वो जो भंडारे वाली सब्जी होते हैं ना वैसा फ्लेवर आ रहा है एकदम। अब इसके बाद ये आलू मेथी की जो सब्जी है यहाँ पर देखो, ये आलू मेथी की सब्जी है, इसे एक बार टेस्ट करते हैं। ये भी बढ़िया है। और ये सीताफल की सब्जी आ गई हमारी, इसे टेस्ट करता हूँ मैं। तीनों सब्जियाँ बढ़िया हैं, सब्जियाँ तो अच्छी हैं। एक बार मैं चटनी भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये मतलब केले और लाल चटनी है, ये केला इसमें डाला गया है, बहुत ही बढ़िया भाई। ये लाल वाली चटनी काफ़ी अच्छी है। एक बार ये जो हरी वाली चटनी है इसे भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। लाजवाब, मतलब गोलगप्पे का जो पानी होता है ना वैसा फ्लेवर इसमें से आ रहा है। अब इसके बाद चलो ये पनीर वाला जो हमारा पराठा है इसे मैं टेस्ट करता हूँ। तो पनीर एक बार फिलिंग देखो यार, काफ़ी सारी मतलब पनीर डाला गया था। तो ये देखो फिलिंग देखो एक बार, काफ़ी ज़्यादा पनीर है। चलो इसे मैं ऐसे ही टेस्ट करता हूँ सबसे पहले। बहुत बढ़िया यार ये पनीर वाला जो पराठा है ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसे मैं लाल चटनी के साथ टेस्ट करके देखता हूँ। ये लाल चटनी के साथ आ गया, बहुत ही बढ़िया लाल चटनी इनकी जो, तो ये वाली लाल चटनी है ना गजब है। तो आलू वाला भी बढ़िया लगा मुझे और पनीर वाला भी काफ़ी बढ़िया लगा, और साथ ही में जो सब्जी है चटनी है वो तो लाजवाब है। अब इसके बाद ये हमारा रबड़ी वाला जो पराठा है ना ये मैं पहली बार टेस्ट करने वाला हूँ, इसे मैं टेस्ट करता हूँ देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले देखो जैसे ही मैं इसे तोड़ रहा हूँ ना इसमें रबड़ी सी निकल रही है, क्या बात है, बहुत सारी रबड़ी है ये देखो। चलो इसे अब मैं टेस्ट करता हूँ। ये आ गया भाई हमारा रबड़ी वाला पराठा, बहुत ही बढ़िया यार ये रबड़ी वाला तो पराठा है ना, पराठा कह लो या जो मर्जी कह लो, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। जो रबड़ी इसके अंदर डाली गई है ना काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, अमेजिंग। तीनों पराठे मैंने टेस्ट किए, तीनों ही लाजवाब हैं। इसे मैं हरी चटनी के साथ टेस्ट करता हूँ। गजब मज़ा आ गया तीनों पराठे खा के। ऐसे ही एक बार मैं टेस्ट करता हूँ रबड़ी वाला पराठा। एक तो तीनों पराठे में जो मतलब देसी घी है ना उसका फ्लेवर आ रहा है, और इन्होंने जो भर भर के क्वांटिटी डाली है चाहे रबड़ी की हो गई, पनीर की हो गई, आलू की हो गई, तीनों का काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। अब एक बार ये जो लस्सी मैंने लिया है ना अलग से इसे भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ उस लस्सी का टेस्ट है कैसा। मीठी लस्सी है और पूरा दही का फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत ही बढ़िया भाई मतलब मज़ा आ गया। मैं जब आ रहा था ना तो मेरे माइंड में एक ही दिन मतलब सवाल चल रहा था कि क्या ही मतलब खास होगा इनके पराठों में, लेकिन टेस्ट करने के बाद ये जो पूरी में मैंने पराठे की थाली टेस्ट किया ना इसको टेस्ट करने के बाद मज़ा ही सा आ गया।
तो आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है, ये जो ब्लॉग है, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और अगर आप पराठे वाली गली आके पराठे टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो इनकी शॉप पे आके पराठे आप जरूर से टेस्ट करना। एक तो लाजवाब टेस्ट है, सब्जी काफ़ी बढ़िया लगी, स्पेशली इनकी जो चटनी है, जो लाल वाली चटनी है, मतलब इसमें केला डाल रखा है, और ये जो हरी वाली चटनी है तो एकदम गोलगप्पे जैसा स्वाद दे रहा है, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। तो मुझे तो मतलब यहाँ के पराठे काफ़ी पसंद आए हैं। आप भी अगर आना चाहो तो यहाँ के पराठे आप टेस्ट कर सकते हो।